आज के वीडियो में कैटरीना कैफ और विकी कौशल के शादी से पहले सलमान खान की हालत के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैटरीना और विकी की शादी 9 दिसंबर को होगी और उससे पहले संगीत और मेहंदी का सेरेमनी शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान इस शादी को अटेंड नहीं करेंगे। सलमान खान शादी को क्यों अटेंड नहीं करेंगे, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है और अब उनके बारे में बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सलमान खान की तबीयत बहुत खराब है। सलमान खान के हेल्थ को लेकर बहुत जगह चर्चा हो रही है। कैटरीना और विकी हमेशा अपनी रिलेशनशिप को छुपा के रखा है, कभी सामने नहीं आने दिया और इस सब के पीछे सलमान खान को भी एक कारण माना जा रहा था। इवन कि विकी कौशल के फादर भी कैटरीना और विकी के शादी नहीं करवाना चाहते थे। उनका कहना था विकी को अभी करियर पर फोकस करना चाहिए क्योंकि कैटरीना से शादी के बाद सलमान खान उनके करियर पे नुकसान पहुंचा सकता है। सलमान खान के तबीयत के बारे में अभी तक उनके पास से कोई अपडेट नहीं आई है। ये बात तो सब जान चुके थे कि सलमान खान कैटरीना के वेडिंग को नहीं अटेंड करेंगे। कोई कोई सोच रहा था शायद सलमान खान की शूटिंग पर बिजी होना भी इसका कारण हो सकता है, लेकिन अब कई लोगों को लगता है सलमान खान की तबीयत खराब होना उनका दिखावा हो सकता है ताकि उनको वेडिंग पर ना आने की एक्सक्यूज मिल जाए। जब सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता से पूछा गया था तब उन्होंने बताई थी कि अभी तक उनको इनविटेशन नहीं मिला है। खैर, सलमान खान की फैमिली से कोई वेडिंग पर आता है कि नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा। क्या सलमान खान विकी के करियर को नुकसान पहुंचाएगा? इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अपडेट्स और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।